बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा था, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से हाइड्रोकार्बन टॉपिक को लेकर हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू है। बच्चों इस हाइड्रोकार्बन टॉपिक में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था वो था IUPAC नामकरण। तो बच्चों IUPAC नामकरण में आज मैं आपको कुछ अलग अलग कंपाउंड्स की जानकारी दे रहा हूं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन सबसे पहले बताए, हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन मैंने आपको दो तरह के बताए हैं। दो तरह के हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको सबसे पहले एक बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहां पे HC लिख रहा हूं, उसका मतलब हाइड्रोकार्बन होता है। और बच्चों दूसरा जो मैंने बताया था वो होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको दो तरह के हाइड्रोकार्बन बताए थे। बच्चों संतृप्त के लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था और वो उदाहरण मैंने आपको दिया था एल्केन के रूप में, ठीक है। और बच्चों इसी तरह से असंतृप्त के लिए मैंने आपको दो उदाहरण दिए थे, एक मैंने आपको एल्कीन के रूप में दिया था और एक मैंने आपको एल्काइन के रूप में दिया था बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, ठीक है। बच्चों ये तो बात की साधारण से हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के आधार पर नाम लिखना सिखाए। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बात करूं, एल्केन, अगर मुझे आपको एल्केन का नाम बताना था तो बच्चों एल्केन का नाम बताने के लिए मैंने इसका संधि विच्छेद आपके सामने रखा था। मैंने आपको बोला था कि इसको दो भागों में तोड़िए, एल्क प्लस एन के फॉर्म में, ठीक है ना, एल्क और एन के फॉर्म में आप इसको तोड़ दीजिए। बच्चों मैंने आपको एल्क की अच्छी खासी जानकारी मैंने दे रखी थी, मैंने आपको बताया था C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। बच्चों ये कुछ कार्बन की इंफॉर्मेशन मैंने दी थी, C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ऑक, नोन, डेक, इस तरह से अपन कहते थे। और ये एल्क जो था बच्चों, इसका एक नाम मैंने आपको बताया था, इसको हम पूर्व लग्न के नाम से भी जानते थे, है ना, इसको हम पूर्व लग्न कहते थे। जबकि मैंने बताया था यहां पर जो एन आपको प्राप्त हो रहा है इसको हमने कहा था अनुलग्न है ये, ठीक। बच्चों पूर्वलग्न का मतलब होता है जो किसी नाम के पहले लगता है, अनुलग्न का मतलब होता है जो किसी नाम के पीछे लगता है। जो अनुलग्न है वो यौगिक की या किसी व्यक्ति की जाति को सूचित करता है, ठीक है, और जो पूर्वलग्न है वो वास्तविक नाम को सूचित करता है। कोई भी एक अगर हम उदाहरण ले लें, सपोज हमारे पास कोई व्यक्ति है, मैं अपना ही नाम आपके सामने रखता हूं कि मैं सुनील यादव हूं, तो जो सुनील आप शब्द सुन पा रहे हो ये मेरा शुभ नाम है, मतलब ये मेरा पूर्व लग्न है। जबकि यादव जो कि मेरे पीछे आप सुन पा रहे हो मेरे नाम के साथ, वो मेरा एक जाति सूचक शब्द है जो कि मेरे अनुलग्न को रिप्रेजेंट करता है। सुनील मेरे अलावा कई हो सकते हैं, है ना, लेकिन यादव जब आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं पे आप मेरे जैसी इमेज करोगे, या अगर आप बच्चों के सामने में आ रहा हूं तो आपको सबसे पहले मैं इंडिकेट होऊंगा, या कोई और भी सुनील यादव होंगे तो आप उनको भी इंडिकेट करोगे। जब कई सुनील यादव आपके सामने मिलेंगे तो फिर वहां पर हम अपने पिता के नाम को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि अब सुनील यादव के साथ उनके पिता का नाम भी कॉमन होगा, पर अगर मान लीजिए कॉमन होता है तो अब हम उनके दादा के नाम को सूचित करने लगेंगे। कहीं ना कहीं पर हमको वो डिफरेंस मिलेगा जहां पर हमारे अंदर एक भिन्नता प्राप्त हो। तो बच्चों हमको भी यहां पर वही भिन्नता प्राप्त करनी है, कर रहा हूं कि एल को हमने पूर्व लग्न जबकि एन को हमने अनुलग्न बोलकर संबोधित कर दिया। मैं अब आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पूर्व लग्न है बच्चों, ये किसी भी यौगिक के भौतिक गुणों का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? भौतिक गुणों का, यानी किसी भी यौगिक में भौतिक गुणों को उत्पन्न करने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण कारक होता है तो वो होते हैं उसके पूर्व लग्न, ठीक है। भौतिक गुण यानी वो कैसा दिखता है, प्रकृति में उसकी उपस्थिति कैसी है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, उसका रंग कैसा है, एक्सेट्रा। बच्चों जबकि अनुलग्न जो है तो
अनुलग्न के द्वारा हम किसी यौगिक के रासायनिक परिवेश यानी रासायनिक गुणों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में बच्चों? इसी कड़ी को आगे लेते हुए मैं आपको कुछ ऐसे यौगिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे यौगिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, उनको भी ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए मैं एक यौगिक आपके सामने लेता हूं C2H5OH, मैं आपके सामने लेता हूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने आपके सामने यौगिक लिया है C2H5OH। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं बच्चों C2H5Cl। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं CH3OCH3। बच्चों अगला एग्जांपल ले लेता हूं CH3COCO, ठीक है। तो CH3CO और अगेन CH3। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों मैंने आपके सामने ले रखे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता दूं, जैसे पहले कंपाउंड में आप देख रहे हो कि एक भाग आपको C2H5 का दिख रहा है, तो बच्चों ये तो पूर्व लग्न उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे C2H5 आप देख पा रहे हो, ये भी पूर्व लग्न को सूचित कर रहा है। यहाँ पर ये CH3 और ये वाला CH3, ये दोनों पूर्व लग्न को सूचित कर रहे हैं। यहाँ पर ये CH3 और ये वाला CH3 पूर्व लग्न को सूचित कर रहे हैं। जबकि बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये केंद्रीय भाग जो CO है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो O जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो CL है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो OH है। तो बच्चों ये भी एक समूह है, ये भी एक भाग है, और इस समूह या भाग को, ठीक है ना, यौगिकों के आधार पर हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं बच्चों? क्रियात्मक समूह कहते हैं। आई बात समझ में? यानी ये वही क्रियात्मक समूह है जो दरअसल यौगिक के अनुलग्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जाति को सूचित करता है, ये उसकी जाति के संदर्भ में जानकारी देता है। इसका मतलब ये हुआ अनुलग्न या क्रियात्मक समूह जो है ये किसी यौगिक के वो भाग या कारक होते हैं जो हमको उस यौगिक के समस्त प्रकार के रासायनिक गुणों की क्या करते हैं बच्चों? जानकारी देते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? ये हमको उनकी जानकारी प्रदान करते हैं, ये कहलाते हैं क्रियात्मक समूह या अनुलग्न कहलाते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हुई बच्चों? इसी कड़ी को आगे जोड़ना है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं सबसे पहले आपके सामने कंपाउंड ले रहा हूं धर। सबसे पहले कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ईथर। ईथर को साधारण सूचित करते हैं ROR से, ठीक है। आप समझिए ईथर के प्रकार के बारे में बच्चों। ईथर दो तरह के होते हैं, ईथर के दो प्रकार हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वो होते हैं सममित, या फिर हम उनको कहते हैं मिश्रित ईथर, ठीक है। ये दो तरह के ईथर होते हैं। सममित ईथर में क्या होता है बच्चों की जो R O R हैं, मतलब ये दोनों R एक जैसे होते हैं, ठीक है। जबकि असममित ईथर में जो R है तो एक तरफ का जो R है वो कुछ भिन्न होगा, यानी अगर एक तरफ CH3 है तो दूसरे तरफ C2H5 होगा, एक तरफ C2H5 है तो नेक्स्ट तरफ CH3S7 होगा, whatever। जब दोनों R अलग होंगे तो असममित या मिश्रित ईथर होंगे, जब दोनों R एक जैसे होंगे तो वो सरल या सममित ईथर होंगे। बच्चों मैं असममित ईथर को लेकर आपको आयुपिक नॉमेनक्लेचर का तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, मान लो आपका कंपाउंड है CH3 और CH2 और CH3।
मान लो बच्चों ये आपके पास एक कंपाउंड है जो कि असममित इधर है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है ना, तो असममित इधर है। नामकरण करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम सबसे पहले दो आर ओ में से, दो एल्किल मूलकों में से हम एक एल्किल मूलक का चुनाव कर ले बच्चों, ठीक है। मैंने कहा हम दो एल्किल मूलक में से किसी एक एल्किल मूलक का चुनाव कर ले जो छोटा हो, तो छोटे एल्किल मूलक को ऑक्सीजन के साथ संदर्भित करके उसका चुनाव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएंगे उस श्रृंखला के कार्बन को आप प्राथमिकता दीजिए मुख्य श्रृंखला के रूप में, यानी ये जो कार्बन हुए आपके ये मुख्य श्रृंखला के कार्बन मान लीजिए इनको, अब आप ये हमारी मुख्य श्रृंखला के कार्बन हो गए, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो CH3O वाला भाग है वो जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसको नंबर 1 बोल देंगे, उसके बाद वाले को नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। करना क्या है बच्चों, यहां पर जब हम ईथर के IUPAC अनुलग्न की बात करते हैं, तो बच्चों ईथर का जो IUPAC अनुलग्न है वो होता है ऑक्सी, क्या लिखते हैं अपन उसके लिए, ऑक्सी, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से और ध्यान देना है कि एक कार्बन से हम लिखते हैं मेथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या जोड़ देंगे बच्चों अपन, बिल्कुल करेक्ट, ऑक्सी जोड़ देंगे, क्योंकि उसका IUPAC अनुलग्न है वो। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या प्राप्त हो जाएगा, मिथॉक्सी, हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मिथॉक्सी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे समूह को हमने क्या बोल दिया है, मिथॉक्सी बोल दिया है। अब ये देख लीजिए कि ये मिथॉक्सी जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी पोजीशन है कि वो नंबर 1 कार्बन है, नंबर 1 कार्बन है, तो इसलिए सबसे पहले आप लिख देंगे 1-methoxy। क्लियर हो गया, ठीक। अब मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन देख लीजिए कितने हैं, तो मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन कितने हैं, 2। दो कार्बन से आप एथ बनाएंगे, साधारणता उसमें कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अन्य कोई समूह नहीं जोड़ा, तो एल्केन मान लेंगे, एल्केन का अनुलग्न होता एन, तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-methoxy एथेन। तो इस तरह से मैंने आपके सामने जो एक एग्जांपल रखा उसका नाम है 1-methoxy एथेन। बच्चों कुछ एग्जांपल और भी लेता हूं जल्दी से ताकि आप थोड़ा समझ पाए, कुछ एक एग्जांपल। अगले एग्जांपल पर चल, मैंने ले लिया CH3 CH2O, फिर बच्चों मैंने ले लिया CH, इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया CH3 और इसके साथ कनेक्ट कर दिया CH3। मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको छोटे समूह का चुनाव करना है। तो अगर मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो छोटा समूह होगा, तो इस समूह को मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़कर सबसे पहले अनुलग्न की स्थिति प्राप्त करूंगा। दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलेंगे एथ, उसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा, तो सबसे पहले यहां पर प्राप्त हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक। इस तरह से इथॉक्सी प्राप्त हो जाएगा, फिर हम अपने कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे, ये हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। अब कार्बन का अंकन, तो ये देखेंगे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कहीं से भी काउंट करेंगे जो मिथॉक्सी है वो नंबर 2 पर प्राप्त होगा, तो इसलिए सबसे पहले लिख देंगे 2-ethoxy। फाइनली मुख्य श्रृंखला के कार्बन की संख्या 3 है, 3 को बोलेंगे प्रोप, उसके पीछे जोड़ देंगे एन, और इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल है मैंने ले लिया CH3, CH2, CH3, फिर मैंने इस पर जोड़ दिया O, CH, CH2 और CH3, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई एग्जाम्पल है, करना वही है, फिर से आपको सबसे पहले छोटे समूह का चुनाव करना है, तो इस बार मेरे राइट हैंड में जो समूह है वो छोटा है, तो ये बन जाएगा सबसे पहले इथॉक्सी, ठीक है, ये इथॉक्सी बन जाएगा सबसे पहले। फाइनली बच्चों आपको मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है, तो मुख्य श्रृंखला चुन लीजिए। मुख्य श्रृंखला जब आप चुनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हम मैक्सिमम 4 कार्बन की श्रृंखला चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि एक कार्बन हमारा छूट जाएगा, और इस तरह से मैं ये मुख्य श्रृंखला चुन लेता हूं 4 कार्बन की, जबकि ये एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में
शेष रह जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, और हमने पढ़ा था अपने रूल्स में कि हम सबसे पहले पाठ श्रृंखला का नाम लिखते हैं, वो भी उस अंक के साथ जिस पर वो जुड़ती है। तो हम जब नंबरिंग करेंगे बच्चों, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री और ये नंबर फोर आएगा। तो नंबर टू पर जो पाठ श्रृंखला वो सबसे पहले जुड़ रही है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे टू मैथिल। सबसे पहले आपको लिखना होगा टू मैथिल बच्चों। उसके बाद उसी नंबर टू पर इथॉक्सी भी जुड़ रहा है, तो आप लिख देंगे टू इथॉक्सी। और फिर मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन चार हैं, ब्यूट प्लस एन, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेन। तो बच्चों इस तरह से आज हमने ईथर के नामकरण भी देखे। बच्चों ये नामकरण का जो पैटर्न है ये थोड़ा अभी कुछ आगे की क्लासेस में भी जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अब मैं आपके साथ कुछ बहुमूल्य अन्य प्रश्न भी लेकर चलता रहूंगा, ताकि ये टॉपिक जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, लेकिन बीच बीच में हम कुछ अपने अगले पोर्शन के पार्ट को भी लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे अगली क्लास में मिलते हैं।